मरकच्चो प्रखंड के जामू पंचायत भवन में नवनिर्वाचित मुखिया का शपथ ग्रहण और उपमुखिया चुनाव के साथ साथ शपथ ग्रहण को लेकर शनिवार को अंचलाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी रामसुमन प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां सहयोगी निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में सीआई आलोक कुमार शर्मा, हल्का कर्मचारी राजकुमार राम, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सहदेव महतो व अन्य पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए। वहीं इस दौरान उपमुखिया पद के लिए 12 वार्ड सदस्यों के बीच चुनाव किया गया, जहां पिंटू कुमार गुप्ता और सविता देवी ने नॉमिनेशन दाखिल करवाया। जहां उपमुखिया पद के लिए उक्त दोनों प्रत्याशियों में पिंटू कुमार गुप्ता ने कुल 8 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया। तत्पश्चात निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा नवनिर्वाचित मुखिया नीता कुमारी और उपमुखिया के रूप में पिंटू कुमार गुप्ता को उपस्थित दर्जनों जनता जनार्दन की भी शपथ ग्रहण दिलाई गई, जहां पंचायत की जनता ने नवनिर्वाचित मुखिया और उपमुखिया को बारी बारी से बुके और फूलमाला देकर भव्य स्वागत किया। मौके पर रविन्द्र प्रसाद गुप्ता, महेश यादव, मिथिलेश गुप्ता, महेंद्र साव, जागेश्वर साव समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आज आप मुखिया पद के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं, क्या क्या विकास क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने पंचायत के मतदाताओं को धन्यवाद करती हूँ, अपने साथियों सहयोगों का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी पंचायत के वृद्ध लोग को वृद्धा पेंशन बनवाना, विकलांग पेंशन बनवाना और विधवा पेंशन बनवाना। मेरे पंचायत में जितने भी गरीब लोग हैं उनको आवास नहीं मिल पाया है, उनको आवास दिलवाने का काम करूँगी। और मैंने पंचायत चुनाव के पहले एक वादा भी की थी कि जितने भी गरीब परिवार के बेटी की शादी होगी उसमें एक स्टील सेट बर्तन दूंगी, उसमें मैं स्टील सेट बर्तन देने का काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। जितने भी पंचायत में मेरे सरकारी योजना का काम आएगा मैं सबको दिलवाने का काम करूँगी और उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी, ये मैं वादा करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी वार्ड सदस्यों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उप मुखिया बनूं और गांव का विकास करूं। और जहां तक गांव की विकास की बात है, बहुत सारी ऐसी है जो हमें विकास करना है, बहुत सारे ऐसे काम है जैसे नाली बनना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बैंक का काम है, शिक्षा को लेकर है। तो मुखिया जी के एक साथ साथ चलकर उनके उनके कदम उनके आगे ना पीछे चलकर उनका साथ हमेशा देंगे। और सारे वार्ड सदस्य से भी मैं कहूँगा कि हम 12 वार्ड सदस्य मिलकर मुखिया जी के साथ मिलकर और गांव का विकास करें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।